नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं जिसे देखकर और सुनकर आप हैरान हो जाओगे। ये जो घटना हुई है ये बिहार के समस्तीपुर स्टेशन के पास हुई है, तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। दोस्तों क्या है पूरी घटना, ये घटना बार बार क्यों हो जाती है, आखिरकार इन सभी घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? रेलवे को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे कि इन सभी घटना को रोका जा सके। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों होता यूँ है कि समस्तीपुर जिले के खुदीराम बोस पूसा स्टेशन के पास एक ट्रेन सिग्नल तोड़कर आगे निकलते हुए एक ट्रेन को टक्कर मार देती है। दोस्तों अगर हम इस घटना की बात करें तो ये घटना गोरखपुर से हटिया जाने वाली मोरिया एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन समस्तीपुर जिले के खुदीराम बोस स्टेशन पर सिग्नल तोड़कर आगे निकल जाती है और फिर ये बड़ी दुर्घटना हो जाती है। आपको बता दें ट्रेन के लोको पायलट को जब सिग्नल से आगे जाने की बात पता चलती है तब लोको पायलट इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक लेती है, तब तक एक ट्रेन के करीब पहुंच जाती है। सभी यात्री ट्रेन से उतरने लगते हैं, यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। दोस्तों सबसे अच्छी बात ये रही कि इस घटना के दौरान किसी भी यात्री की जान नहीं जाती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सिग्नल तोड़ने वाले लोको पायलट को सस्पेंड कर दिया गया है, वहीं मौके पर दूसरे लोको पायलट को बुलाकर ट्रेन को रवाना किया जाता है। इस दौरान ट्रेन करीब 2 घंटे लेट से खुदीराम बोस पूसा स्टेशन से रवाना होती है। तो दोस्तों बिहार के समस्तीपुर जंक्शन के खुदीराम बोस स्टेशन के पास एक बड़ी रेल दुर्घटना होते होते बच जाती है। दोस्तों ये घटना कल का बताया जा रहा है, आप नीचे कमेंट कर जरूर बताएं कि आखिरकार किसकी गलती थी इस घटना के दौरान। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी घटना के बारे में आपको जानकारी देनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।